हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं। ओके, लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं वही हम देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दिया है। बॉटम ऑफ डेक आया है हार्मनी का कार्ड, मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो लोगों की नज़र में आप कैसे इंसान हैं? गाइस, लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम सा लड़का या बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की, जो खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं। लाइक आपने बहुत अच्छी खासी बॉडी बना रखी हो अगर लड़के हो तो, और लड़की हो तो बहुत अच्छे से अपने फिगर को मेंटेन कर रखा है जिम वगैरह जाके या योगा वगैरह करते हो आप, ऐसा हो सकता है। साथ ही आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है, आप दिखने में काफ़ी सुंदर हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, लोग दूर से ही देख के आपको अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, साथ ही उन्हें आपसे प्यार हो जाए, लाइक बहुत जल्दी उन्हें ना आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है, बहुत ही जल्दी। आपका कम्युनिकेट करने का तरीका ऐसा है या आपका ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना कि खुद ही उन्हें आपसे अट्रैक्शन होने लग जाती है। बट क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्री बर्ड की तरह घूमना चाहता है, मतलब आप ना अभी तलक मुश्किल से एक या दो बार सीरियस रिलेशनशिप में आए होंगे जो कि वर्क नहीं किए, जो कि चले नहीं आगे सामने वाले की साइड से। लाइक वैसे आप बहुत लॉयल्टी रखते हो, हाँ वैसे उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप लॉयल नहीं हो, आप लोगों के साथ कैजुअली रिश्ता रखते हो, ऐसा नहीं है। आपका एक नेचर है कि बहुत फ्रेंडली हो, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका सीधा है, ओके आपकी गलती नहीं है, लेकिन लोग अट्रैक्ट होते हैं, खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं एंड वो ना आपको उस नज़रिए से देखने लग जाते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बेसिकली वो आप में इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं। बट क्योंकि आपका रास्ता सही है, आप सीधी तरीके से बात कर रहे हो, तो जब वो आपको अप्रोच करते हैं, जब वो आपको प्रपोज करते हैं या वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, तो आप क्लियर कट बोल देते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। आप ना फ्री बर्ड की तरह घूमना पसंद करते हो। हाँ, पास्ट एक ऐसा रहा है आपका जिसमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा ही स्टक रहे हो, कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, लोगों की बहुत बातें या ताने सुने हैं एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर बात करूँ तो शायद आपका जो है ना 9-4 का योग है जो होता है, उसमें क्या है कि वो दिखाता है कि लिटिगेशन लगना, आप सही हो लेकिन बेवजह के आप पे इल्ज़ाम लगना, बेवजह की आपको बदनामी झेलना, कुछ ना कुछ वो ऐसे चांसेस बना देता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बना देता है जहाँ आप सही हो लेकिन फिर भी आप पे झूठे इल्ज़ाम लगें, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। तो यहाँ वो वाली सिचुएशन तो नहीं दिख रही। अगर किसी का है, सपोज़ मैं बताती हूँ कैसे बनता होगा वैदिक ग्रेड के अनुसार, या तो आपकी जो बर्थ डेट है उसमें 9-4 जो है परमानेंट हो, जैसे आपकी बर्थ डेट हो गई 9 अप्रैल तो 9 और 4 परमानेंट आ गया आपके ग्रेड में, या फिर किसी का जो है 1994 है तो ईयर में 94 आ गया, तो ऐसे करके ना 9-4 का एक योग बनता है।
और वो योग जो है ना वो झूठे इल्ज़ाम लगवाता है, लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें उसमें दिखती हैं और वो बहुत ही बुरा नेगेटिव योग माना जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ना आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, लोगों के बहुत ताने सुने हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँ गालियाँ खाई है, ऐसा हो सकता है। आई एम सॉरी गाइस, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ है। बट क्योंकि आपने इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसी रेमेडीज़ की हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बताया, इनडायरेक्ट वे में भी की हो सकती है, डायरेक्ट वे में भी की हो सकती है, कि आपने ना अपना ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ाना शुरू किया है, शेयर करना शुरू किया है अपने रिवॉर्ड्स को, चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, जो कि आप अब करने लगे हो। पास्ट में भी करते थे बट तब उतना नहीं था या उतनी चीज़ें या फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कर सको, बट अब क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, अब चीज़ें समझ पा रहे हो और कहीं ना कहीं अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो लोगों की मदद कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ना जो लिटिगेशन जो लगते थे ना पास्ट में अब वो कम हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हट गए हैं, क्योंकि वो हट ही नहीं सकते। जब आपकी ग्रेड में परमानेंट है ना 994, तो वो चीज़ आपके साथ रहेगी, लाइफ लॉन्ग तक रहेगी वो आपके साथ, और आप उसे ना कैसे भी हटा नहीं सकते। बस क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए, कि आप उसके लिए रेमेडीज़ कर सकते हो, अपना ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ा सकते हो, जिससे आप लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो फ्री में। एंड क्या होती है सेवा भाव, कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं लगा, वो होता है असल में सेवा भाव, वो होता है असल में चैरिटी करना। राइट हैंड से दिया, लेफ्ट हैंड को पता ही नहीं चला, वो चीज़ होती है। ये नहीं होता कि हाँ भाई हम देखो सोशल मीडिया पे डालते ना, हम देखो हम कितनी चैरिटी करते हैं, वो चीज़ें नहीं होती कि आप उन्हीं से कमा रहे हो, वो चैरिटी नहीं होती। वो जस्ट ये है कि आपको ना लोगों की नज़र में आना है, वो चैरिटी वो कभी लगेगा भी नहीं, वो कभी लगेगा भी नहीं, ना उस इंसान को लगना है ना ही आपको लगेगा। आपको गा बजा कर जो देता है ना वो कभी नहीं लगता। तो वो चीज़ को हटकर अगर आप इस तरीके से अपना ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और जो कि मुझे दिख भी रहा है। तो लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, सबसे ज़्यादा ना अट्रैक्शन उन्हें आपकी तरफ फिज़िकली होता है, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है लाइक फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्शन लग रही है मुझे। बाकी आपका नेचर यह है कि चीज़ों में ना हड़बड़ी नहीं है, आप में एकदम शांति से बिल्कुल शांत स्वभाव में रहते हो, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना, ज़्यादा चिक चिक बाजी करना आपको पसंद नहीं है, सीधा सिंपल रहते हो। नेचर वॉक करना आपको बहुत पसंद हो सकता है, इवन मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप किसी हिल स्टेशन वगैरह से हो, देहरादून वगैरह ऐसी जगह से हो, या आपके खुद का जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप नेचर में ज़्यादा रहते हो, ओके okay? या आपको पसंद है नेचर वॉक करना, या ज़्यादातर आप ट्रैवलिंग के लिए ऐसी ही जगह चूज़ करते हो, तो वो चीज़ लगती है उन्हें कि बहुत ही नेचर लवर हो। और साथ ही आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो शायद सामने वाले के ना इंटेंशन को जल्दी से पकड़ पाता है, आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होगा, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा। साथ ही एक आपके अंदर ये चीज़ है कि जो आपके रूल्स है ना वो आप किसी के लिए चेंज नहीं करते, जो आपका माइंडसेट है वो आप चेंज नहीं करते। एंड वही चीज़ मैंने बोली कि लोगों को लगता है ना कि आपको देख के कि हाँ आप उनमें इंटरेस्टेड हो जाओगे, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, लेकिन आपके अंदर आपका एक ईमान है, ठीक है सामने वाले को मुझ पे क्रश हो रहा है, सामने वाला मुझे पसंद कर रहा है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मेरा एक ईमान है कि मुझे अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है तो उसके साथ मुझे आगे लाइफ में मैरिज वगैरह सब चाहिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपको समझ आ जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, फिर चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, समझ आ जाता है, ठीक है। लड़कियों को जल्दी समझ आ जाता है, लड़कों को थोड़ा देरी लगती है समझने में, लेकिन हाँ वो भी समझ जाते हैं। तो आपको ना समझ आ जाता है कि हाँ ये जो इंसान है ना ये मुझसे इस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, इसको प्यार नहीं है, जस्ट कुछ और वे में इसको मुझसे अट्रैक्शन है। तो आप ना जस्ट फ्रेंडली रहना पसंद करते हो, आपका जो नॉर्मल टॉक है
जिस तरीके से आप नॉर्मली बात करते हैं आप उसी वे में बात करते हैं, सामने वाले को गलत लग रहा है तो लगता रहे, आप अपनी साइड से क्लियर रहते हैं कि आप उन्हें दिल नहीं दे रहे हो। आप अगर किसी को दिल दिए हो तो उसके लिए लॉयल हो, फिर चाहे उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, फिर चाहे कितना भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी लॉयल्टी है तो है। तो ये चीज़ है कि आप लॉयल पर्सन हो, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, तो ये चीज़ उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। और ज़्यादा लंबी मैं नहीं करने वाली हूँ इस रीडिंग को। ओके, सो कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, लोगों की नज़र में आप कैसे पर्सन हैं। काफ़ी क्रिएटिव हो और फैशनेबल हो, बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल हो। ड्रेसिंग स्टाइल आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है आपका ड्रेसिंग स्टाइल। एकदम शांत स्वभाव के पर्सन हो, ऐसा हो सकता है। ओके, टेम्परेंस, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई हैं। एक तो एंजल वाली वाइब्स कि आपको देखते ही, आपसे बात करते ही ना लोगों को वो हीलिंग मिलती है, इसलिए वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और आपका अपना एक स्वैग है भाई, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका खुद का अपना एक स्वैग है। बैलेंस रहना पसंद करते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करके रखते हो। लोगों को ना आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें हीलिंग मिलती है अलग ही लेवल की। आपका कम्युनिकेट करने का तरीका ना बहुत ही स्पेसिफिक आ रहा है। दूसरा ना आपका ड्रेसिंग स्टाइल, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी आपका हो रहा है। ये दो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मुझे परमानेंट लग रही हैं, जिसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है, आपका जो फेस फीचर है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एंजल वाली वाइब्स देता है। और साथ ही बैलेंस है, आप में एक ठहराव है, आप में एक कामनेस है जो उन्हें बड़ी पसंद आती है। आप वो चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहे होते और वो चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि वक्त आए तो बहुत शांत हो, बहुत ही कामनेस वाली चीज़ें, और कभी गुस्सा आया तो फिर आपसे बड़ा जो शैतान है ना वो कोई नहीं। लाइक लिटरली मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट हाँ, जब आपका गुस्सा आता है ना तो एक्सट्रीम लेवल का होता है वो, और तब फिर आप ना आओ देखते ना ताओ देखते, फिर चाहे अपना ही नुकसान क्यों ना कर बैठो, लेकिन जब गुस्सा आया तो आया, फिर तो तोड़ फोड़ मचानी है, फिर तो वो जिस इंसान पे गुस्सा आ रहा है ना ऐसी तैसी कर देनी है। वो वाली चीज़ें रहती है आपको कि जिसने भी गुस्सा दिलाया ना तो बस उसको छोड़ना नहीं है। वो चीज़ भी होती होगी कि वैसे शांत हो, वैसे बहुत ही शांत रहते हो, बहुत ही एंजल वाली वाइब्स देते हो, लेकिन आपको गुस्सा भी ना वही साल दो साल में आता होगा, लेकिन आता बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आता होगा। और साथ ही काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और फैमिली की काफ़ी केयर करते हो, एंड जो भी कमाते हो उससे अपनी फैमिली का देखभाल करना, आपको ये चीज़ें पता है, आपको अच्छे से समझ आती है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निभानी है। तो इस चीज़ को लेकर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि मेरी फैमिली, मुझे उनकी केयर करनी है, फाइनेंशियली जितना भी है उन पे लगाना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, वो चीज है। बहुत अच्छे से केयर करते हो अपनी फैमिली की। साथ ही व्हीकल का शौक हो सकता है, या फिर ड्रेसिंग स्टाइल ना बहुत ही अलग लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो आप ना फैशन डिजाइनर हो सकते हो, और ज्वेलरी डिज़ाइनर, डिज़ाइनर फील्ड से ज़्यादा लग रहे हो आप, कि बहुत ही रंग बिरंगे से कपड़े पहनना, बहुत ही अलग सा स्वैग, अलग सा ही स्टाइल, वो चीज़ लग रही है। लड़की हो तो शायद बाइक वगैरह चलाना, बुलेट बाइक चलाना आपको बहुत शौक हो, ऐसा हो सकता है। एंड इवन आपके पास खुद के जो है पेट हो, ऐसा भी हो सकता है, खुद के डॉग, स्पेशली डॉग हो, खुद का पेट हो आपके पास, वो चीज़ हो सकती है। और काफ़ी पार्टी लवर हो, लोगों को गिफ्ट्स देना, फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देना, वो सब चीज़ें बहुत पसंद है। और यह गाइस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, ज़्यादा लंबी मुझे ये रीडिंग करनी भी नहीं है, मैंने छोटा ही सोचा था इस रीडिंग को करने का, तो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, मुझे यही दिख रहा है। अब एंजल के कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। आयर फ्रॉम नाव, कुछ होने वाला है आयर फ्रॉम नाव में। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ सोच रहे थे तो वो होने वाला है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है आपके साथ, जो आप चाह रहे थे। ऐसे ही जस्ट मेरा मन किया कि एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, तो वो मैंने ले ली, पर पता नहीं क्यों मैंने लिए,
कुछ बनता नहीं था, बट फिर भी मैंने ले लिए। तो आप खुद रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आया अयर फ्रॉम नाउ, तो नेक्स्ट दिवाली तक कुछ ना कुछ होने वाला है। जो आप भी आप माइंड में चला रहे थे ना, कुछ सोच रहे थे किसी पर्सन के साथ मैरिज का, या कुछ चीज़ सोच रहे थे घर लेना या कोई व्हीकल लेने का, तो वो चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट 11/11 तक भी हो सकता है, ट्रस्ट रखिए, एक साल के अंदर हो सकता है। दूसरा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो जो भी कुछ सोच रहे थे ना, बेसिकली मैं बता देती हूँ, जो भी आप सोच रहे थे ना, वो इस 11/11 से लेके अगले 11/11 तक हो सकता है। एक साल के अंदर बेसिकली हो जाएगा ये, दिवाली के आसपास से लेके नेक्स्ट दिवाली के आसपास तक चीज़ें हो जाएंगी। सो यही मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ, 1/10/1928, 2/20/11, 3/12/21, 9/18/27, 8/17/26, 6/15/24, 5/14/23, और यहाँ पे मुझे दिख रही है 3/12/21। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहाँ पे मई, जून, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर और जून दिख रहा है यहाँ पे मुझे, और जुलाई, ये मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। अगर मैं बर्थ मंथ, जो मैंने बर्थ मंथ और बर्थ डेट बताई, अगर रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडिक साइन की बात की जाए, तो यहाँ वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और अर्थ साइन भी है। तो जोडिक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडिक साइन नहीं बताऊंगी। या गाइस, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और ये मैंने ऐसे ही निकाले थे गाइस, मेरा मन किया, पता नहीं एकदम से मुझे लगा कि मुझे लेने चाहिए एंजल्स के मैसेज, तो पता नहीं किसके लिए है, तो मुझे ज़रूर बता देना किसने क्या क्वेश्चन किया था जो उन्हें ये आंसर मिला है। सो या गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।